में ही कहीं ना कहीं पनप रहा है वो एक चिकन डिनर टीम, लेकिन कौन होगा ये पूरा एरिया आप देखिए रंगीन है, बट निंजा जॉट का एक नीट जाएगा, मिस्टर स्प्रे को पिक करते हुए नजर आएंगे और निंजा जॉट खुद आगे जा चुके हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। पुकार के नीट के द्वारा कोशिश रहेगी यहाँ पर टीएसएम के प्लेस की वो पिक निकाले, बट पिक कोई और निकाल रहा है कहीं से गोलियां चला करके, और वहीं पर मैक्सिको पिक जरूर किया जाएगा पुकार के ही द्वारा। ऑल राइट, गाड़ी को यहाँ पर ब्लास्ट किया गया, एक्विनॉक्स कमला बॉय को पिक करते हैं इस घर के अंदर, इस एरिया के अंदर मूव कर रही है टीएसएम के प्लेयर्स, ये चारों प्लेयर्स इनफैक्ट ये तीनों प्लेयर्स आगे जा रहे हैं एक और प्लेयर को स्पॉट करके, लेकिन वहीं पर पुकार MG3 को एक एक करके पिक जापन निकालने की उनकी कोशिश, निंजा जॉट आखिरी प्लेयर सर्वाइव करे उनको भी ढूंढ करके यहाँ पर टेस्ट जॉब पिक करते नजर आएंगे। कमला बॉय को रिवाइव देना है, आराम से हो जाएगा। देखिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पर स्मोक का उपयोग करा गया था टीएसएम के द्वारा, उसके बाद कॉलेज गेमिंग और स्कूल में एक्सो के प्लेयर्स अभी नजर आ रहे हैं। बोल आप कहते हैं ना कि राउंड जो भी डे 3 होता है कैओटिक डे होता है, देखिए कैओटिक तो हो ही रहा है, रखने की कोशिश डिफेंड करने की कोशिश, एक छोटा सा उनके पास यहां पे कंपाउंड है जिसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं पुकार, इतना लास्ट मस्ता नहीं, बहुत कम एचपी के साथ वहां पे यहां बरकरार है और क्लच भी करके आएंगे उनकी MG3 अलग लेवल पे आज बरसती हुई नजर आ रही है ओशन, लेकिन अब इनको आगे की तरफ को मूव करना पड़ेगा और अब देखिए वहीं पर फ्लिक पार्टी नजर आ रहे हैं और गमला बॉय को आगे जाना पड़ेगा, गमला बॉय सॉरी उनको नहीं पुकार को आगे जाना पड़ेगा, उनका तो पिक यहां पर फ्लिक पार्टी ले लेंगे जिससे जस्ट अभी हमारी बात हुई थी पुकार शायद उस डायरेक्शन में नहीं देख पाया, अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं बेयरली सर्वाइविंग, नीचे उतर करके आज के फ्लिक पार्टी फाइट लेंगे पूरा तैयार एंड इंस्टेंटली पिक आउट करेंगे इस गेम के मनी मैन को पुकार, उनको डाउन किया जाएगा आउट करेंगे इंस्टेंटली, डैमेज अच्छा खासा दिया जाएगा इनफैक्ट डाउन किया जाएगा एंड पंक COPRA में एक प्लेयर को पिक करते नजर आएंगे, वहीं पर टीम का सफाया होता हुआ, चार टीमें दो लोग जीवित एंड 247 अ मच नीडेड गेम, ये लोग फिनिशेस के लिए नहीं जा रहे, ये लोग इस चीज के लिए जा रहे कि ये आखिरी पायदान पर ना रहे, इनके लिए गेम सर्वाइवल का है एंड रैंगल में प्लेयर हील बैटल कर रहा है। वेल सात फर्स्ट एड उनके पास है, काफी देर तक वो सर्वाइव यहां पे जरूर कर पाएंगे। बात की जाए टीम एक्सो की, मेरे ख्याल से एक मच अवेटेड चिकन डिनर की तरफ टीम एक्सो जाते हुए आपको नजर भी आ सकती है, बट अभी भी अगर यहां पर बात की जाए एक्स लायंस के पास दो प्लेयर्स मौजूद हैं, क्या वो रिवाइवल के लिए जाने वाले हैं, क्या माधव को रिवाइवल पॉसिबल है? मीनवाइल मेगा आरसीएस जो हील बैटल के लिए जा जरूर रहे थे कर नहीं पाए, सक्सेसफुल नहीं हुए वहां पे ओशन हील बैटल में। अब देखते हैं ये तीन टीमों में कौन सी टीम ऊपर आती है, कहीं ना कहीं चांसेस एक्सो के ज्यादा बनते हैं, अपर एरिया स्कूल का लेकर के बैठे हुए ये सब लोग, दे आर हियर फॉर अ लेसन इन You play BGMI in BGIS, आप देखिए काफी अच्छे तरीके से यहां पर स्मोक्स किए जा रहे हैं, अच्छे एंगल्स ब्लॉक करने की कोशिश यहां पर इनके द्वारा हो रही है, FES की HP बहुत ज्यादा लो, समुराई और योद्धा ये प्लेस बचे, माधव को रिवाइव देना काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे में अगर पंक नीचे उतर करके आ गए तो सोचे कितना केओस ये क्रिएट कर सकते हैं, पंक विल ही गो फॉर द लीप ऑफ फेथ, वेल समुराई को भी यहां पर स्पॉट किया गया था, डैमेज इंपैक्ट काफी ज्यादा दिया गया, पंक विल ही गो फॉर द लीप ऑफ फेथ, दैट्स माय क्वेश्चन दैट आई नीड आंसर टू, बट PS साइडलाइन से पिक करेंगे, इनफैक्ट रेवेनेंट अब जाकर के बचती है एक्सो के बिल्कुल अगेंस्ट, इट्स अ 3v2 बट रेवेनेंट के प्लेयर्स की भी लोकेशन पूरी तरीके से स्पॉटेड है, थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं रेवेनेंट की तरफ से, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा शायद क्योंकि पूरा एरिया इस समय तक एक्सो के पास, बट पैराडॉक्स का एक नील जाएगा, इमॉर्टल को पिक करते नजर आएंगे पंक और पीएस और पैराडॉक्स, यही मौका है यही समय है यही दस्तूर था आगे जाने का, लेकिन उनको पिक किया जाएगा, टीम एक्सो गोस फॉर अ ब्रिलियंट विनर विनर चिकन डिनर।